पड़ी है तुम्हें मोबाइल चलाने का बड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लास्ट डे है, हम यहाँ से लौट रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने लाई हूँ, मैं जिनके घर पे गई थी उन्होंने अपने हाथ से ये अपनी एक झोपड़ी बनाई है जिसमें रखी हर चीज़ उनके हाथ की ही बनी हुई है। टेबल भी उन्होंने खुद बनाई है, यहाँ जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं उन्होंने खुद बना के रखी है। तो वो कहते नहीं है कि जो लोग ऐसे ज़िंदगी बसर करते हैं कि घर में AC लगा है सब कुछ है, लेकिन वो यहाँ आके इस झोपड़ी में रहते हैं। तो कुछ लोगों को गाँव की ये लाइफ बड़ी पसंद आती है जो उनके बचपन को छूती है ना, तो उस तरह से कि उसी में उन्हें मज़ा आता है। तो वो अपने घर के लग्जरीज छोड़ के इस कुटिया में रह रहे हैं। तो यहाँ ये इनका ख़रीदा हुआ बड़ा सा प्लाट था जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे जानवरों को भी पाला हुआ था, जिसमें मुर्गियाँ मुझे तो अभी फ़िलहाल दिख रही थी, और जो है ना संतरे का पेड़ लगा हुआ था और आम का पेड़ लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये भी कवर कर लेते। बस हम निकल पड़े अब अपने घर की तरफ, और घर जाने की खुशी भी हो रही थी क्योंकि घर तो घर होता है, चाहे जैसा भी हो वहीं जाके सबसे ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा, चाहे आप जन्नत में भी हो जाओ दुनिया की जन्नत में, लेकिन आपको मज़ा आएगा अपने घर पे जाके। तो ये रास्ता जो था भाई उफल्ला, ये मोबाइल में आप लोग को शो नहीं हो रहा है, इतनी ऊँचाई थी इस रास्ते की कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के ही नीचे उतर रही थी। और ना ऐसे ऐसे ख़तरनाक इसमें अभी मोड़ आएंगे, और फंसी को मैंने कभी पहले तो गाड़ी ड्राइव करते हुए पहाड़ों के ऊपर से देखा नहीं है, तो मैं तो इतना डर रही थी। फंसी मुझे और डरा रहे थे गाड़ी को कि मैंने कहा फंसी धीमे के चलाओ ना, तो बोल रहे मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ है, गाड़ी खुद चल रही है, मैं सिर्फ उसे ब्रेक मेरे हाथ में है और मोड़ रहा हूँ। और ये अपने आप गाड़ी चल रही थी इतने ऊँचे पहाड़ों में से निकलते हुए, आगे बढ़ते गए हम लोग, और ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सब लोग बोल रहे थे सबसे ख़तरनाक रास्ते हैं। एक बार मैं पहले भी इन रास्तों पे जा चुकी हूँ, तब मैं अजमेर गई थी एक तारागढ़ पे, जब हम लोग चढ़ाई की थी हम लोगों ने ना, तो तारागढ़ का जो पहाड़ है ना वहाँ भी इसी तरह का रास्ता था। तो हम सुबह 9:30 पे निकल पड़े थे यहाँ से क्योंकि रास्ता काफ़ी दूर का है और हमें जाना था हैदराबाद। तो टाटा बाय बाय, यहाँ से हम जा रहे हैं। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। तो हम पहुंच चुके हैदराबाद के टोल प्लाजा पे। तो हम यहाँ पे अपना टोल टैक्स दे रहे थे, तो आप देख सकते हैं, और टोल बॉक्स जितने भी बने हुए हैं उन सब में AC लगी हुई। वाओ वंडरफुल, तो ख्याल सबका ही रखना चाहिए। मायरा सो चुकी थी, मायरा को बुखार होने लगा, शायद वो थक गई थी इसीलिए। ये हम गुजर रहे हैं कहाँ से, सिंधु नदी के किनारे से, तो जहाँ पे उन्हें मछली पल्ला खिलाऊं तुझे, सिंधु नदी के किनारे। तो आप ये सिंधु नदी आप देख सकते हैं बहुत चलाएगा ना, तो मैंने सोचा आपको सिंधु नदी भी दिखाती हुई मैं चलूं रास्ते में से। सिंधु नदी पड़ती है हैदराबाद में, उन सबको तो पता ही होगा जो है पाकिस्तान में, पर उनको नहीं पता होगा जो बाहर इंडिया में है। तो बहुत बड़ी थी, पर मेरी घाघरा नदी से बड़ी नहीं थी जो मेरे घर के पास पड़ती है। तो अभी हम लोग हैदराबाद के मिलिट्री मतलब कैंट एरियाज में हैं, और यहाँ से हमें जाना है एक डॉक्टर के पास। तो उस डॉक्टर के पास जाने के बाद हम फिलहाल तो हम रेस्टोरेंट आ गए क्योंकि डॉक्टर अभी बैठे हुए नहीं थे। तो हमने यहाँ पे हलीम ऑर्डर करी और नाश्ता किया, सुबह का जो नाश्ता होता है। रोटी इतनी खूबसूरत लग रही थी, वीडियो बनाने से मेरा दिल माना ही नहीं। और हलीम तो मुहर्रम भी चला था यहाँ, ये फ्रूट चाट थी, आंटी को बहुत पसंद थी ये फ्रूट चाट, तो उन्होंने ऑर्डर की हुई थी। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े और हैदराबाद सदर में आ गए। सारे सदर एक ही तरह दिखाई पड़ते हैं मुझे तो, मैं यहाँ देखिए ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना, ये डिवाइडेशन के टाइम से पहले की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं कभी कभी लगता है दिल्ली की सदर बाज़ार में घूम रही हूँ कभी, कैसे मतलब दिमाग मतलब एक ही लगता है मुझे। और यहाँ पे लाल ईंटों का काम था, तो फिर ये थोड़ा और भी टच दे रहा था इंडिया से। तो इसके बाद हम लोग आ गए हाईवे पे नहीं, अभी हैदराबाद में ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नाश्ता पानी और एक्स्ट्रा किया, यहाँ आउटलेट्स बने थे आउटफिटर के और चीज़ों के। और हैदराबाद में वो गर्मी थी गजब की, जितनी कराची में है ही नहीं, आंखें तो मेरी खुल ही नहीं पा रही थी। मैं 2 मिनट को उतरी, फट से मैंने गाड़ी में आ गई AC में, मैंने कहा फंसी मुझसे नहीं उतरा जा रहा। लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं सामने ही, तो फिर अब कंट्रोल कर पाना नामुमकिन था। तो मैं फिर से उतरी बच्चों को लेके, और
और उसके बाद हम लोग, रोजैन भी जिद कर रहा था कि चले चलते हैं, तो हम लोग आए तो इन लोगों ने तो आगे बढ़ के फौरन ये लोग पेस्ट्री और केक इनकी शॉप्स पे चले गए। पर मैं यहाँ देख रही थी किस किस ब्रांड का आउटलेट है, तो मैंने फ़िलहाल चेक किया और बहुत खूबसूरत ये पूरा शॉपिंग का हैकिंग पावर बनाया है, जहाँ पे बंदा रुके आगे नाश्ते पानी के लिए, फिर ये शॉपिंग के लिए आगे बढ़ जाए कि भाई देखते हैं क्या है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो भी इस चीज़ को मैनेजमेंट करता है, जो भी इसका आर्किटेक्ट होता है या कुछ भी, वो लोग बहुत सोच समझ के एक चाल भिजाते हैं पूरा, जिस जाल में आप पैसेंजर को फंसा लें। तो यहाँ मौसम अच्छा था पर आग बरस रही थी, हैदराबाद जैसे इंडिया में कि वहाँ भी गर्मी बहुत होती है, तो ये पाकिस्तान का भी यहाँ भी गर्मी इतनी थी, मेरे ख्याल से 40 टेम्परेचर हो रहा था, आग बरस रही थी। तो ये अलकरम का आउटलेट बना हुआ था इधर साइड, तो मैं थोड़ा अलकरम के आउटलेट पे गई, मैंने वहाँ कुछ एक ड्रेस पसंद आ रहा था मुझे, मैंने देखा उसे, तो अंदर जाके मैंने सोचा था कि वो एक कुर्ता होगा, पर कुर्ता नहीं था, पूरा सूट था, मुझे सूट नहीं चाहिए था, कुर्ते स्टाइल में चाहिए था, फिर मैंने उसे नहीं लिया। उसके बाद वहाँ थोड़ी सी हमने वीडियो शूट की, क्योंकि बहुत ही हसीन मंज़र वहाँ का लग रहा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आए तो इन लोगों ने पेस्ट्री और केक मांगा कि हमें पेस्ट्री खानी है, तो मायरा को तो बुखार था तो वो कुछ ज़्यादा ही दुलार दिखा रही थी हम लोगों को, तो फिर इनको हम लोग ले आए दुकान पर, यहाँ इनके लिए हमने पेस्ट्री पैक करवाई। उसके बाद हम लोग चल दिए, अब हम घर आ चुके हैं। मायरा की तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए घर आने का कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई मैं, यहाँ बच्चे बिल्लियों से खेल रहे थे। तो अपने घर हम पहुँचे हैं, मगरिब के टाइम पहुँचे हैं बस, उसके पास सबने नहाया धोया, फ्रेश हुए, मायरा को तेज़ बुखार था, उसे दवा दी, उसे सुलाया, वो गोदी नहीं उतर रही थी, इतना रो रही थी कि पूछो नहीं। बच्ची गई थी इंजॉय करने लेकिन उसे बुखार हो गया था, तो ये बिल्ली काफ़ी देर से यहाँ बैठी थी और मायरा लेके अपना मोबाइल आ गई और वो व्लॉगिंग करने लगी। तो वो छोटी व्लॉगर है, अपना मोबाइल लेके ना व्लॉग बना रही है, कह रही मम्मा बना लूँ, मैंने कहा हाँ बनाओ। बस इसी के साथ मुझे विदा दें, मिलते हैं अनदर व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा।